एक बात समझ लो तुम, ये कोई बानाबाजी तुम्हारी नहीं चलेगी, खुद का अनुभव बोलता है। भगवान महावीर क्या बोलते मैं नहीं करना चाहता हूं, आपका अनुभव बोलो। अने एक बात कही दो, सौथी वधारे में वधारे ताकत वाली चीज तमने कहूं, चार चीज छे ताकत वाली। नंबर एक उपदेश, नंबर दो भगवान महावीर का संदेश, नंबर तीन भगवान महावीर का आदेश। तीन चीज मेरी ओर से, या तो मैं आपको उपदेश देता हूं, या तो मैं संदेश देता हूं, या तो मैं आदेश कर रहा हूं। कल्पेश ये रास्ते में मत भागना, रुक जा, ये मेरा आदेश। भगवान महावीर ने सुलसा को संदेश भेजा था, महावीर ने संदेश भेजा है सुलसा तेरे लिए धर्म लाभ पाए, और सुलसा पागल बन गई। महावीर ने मेरे लिए, मेरे जैसी संसार स्त्री को भगवान महावीर ने धर्म लाभ संदेश समर्षण में दिया था वो उपदेश, और मैं कुमार को कहा मैं तूने गलत सोच लिया आदेश। तीन विकल्प, या तो भगवान महावीर के उपदेश से जीवन को बचा लो, या तो भगवान महावीर के संदेश को सुन के जीवन को बचा लो, या गुरुदेव के आदेश से जीवन को बचा लो। मगर तीन में भी नहीं बचे तो नंबर चार आपका खुद का अनुभव, और इसलिए मैंने तीन चीज आज आपके सामने रखी। कल्पेश 15 दिन से उपदेश आदेश और संदेश की बात करता हूं, आज फोकस आपके अनुभव पे आया। आप बताओ कि गुरुदेव वी आर हैप्पी? करोड़ों रुपया पाने के बाद जो गुरुदेव जिस गोल को लेके हम भागते थे वो गोल के नजदीक जा रहा हूं, आप बोलो तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। और यदि आपके अनुभव को भी तुम ठुकराते हो, आपके अनुभव को भी नजरअंदाज करके वही रास्ते पे तुम आगे बढ़ते हो, फिर मेरा उपदेश संदेश आदेश आपके लिए कुछ काम का नहीं है। ये चेहरे के मुस्कान के साथ तुम बोल सकते हो कि गुरुदेव हम दुखी हो, या आप ये मुस्कान के साथ रोना चाहिए रोना गुरुदेव अब जो रुपया देने के बाद इस जीवन का एक श्वास मिलने वाला नहीं है, और वही श्वास मैंने पूरा दांव पे लगा दिया, और आज खोखला होकर अनुभव कर रहा हूं गुरुदेव कुछ नहीं है मेरे सामने, अंदर से टूट चुका हूं। बाजू वाले के पर विश्वास था, खुद के बाप पर विश्वास नहीं है गुरुदेव। पैसे आने के बाद तुम ब्रीफ ले रहे हो इनकी? चार बात मैंने रखी, उपदेश आदेश संदेश, और एक बीच में दूसरे की बात बताओ दो, पांचवें नंबर में आपका अनुभव, और चौथे नंबर में किसी और का अनुभव देख लो। सन्मार्ग पे आने के लिए आपके सामने पांच विकल्प, भगवान महावीर का उपदेश आदेश संदेश तीन, हमारा दूसरे के अनुभव को देख करके तुम सन्मार्ग पे आ जाओ नंबर चार, और वो अनुभव को निग्लेक्ट करने के बाद भी तुम सन्मार्ग पे नहीं आता हो तो खुद के अनुभव को चेक कर लो, और खुद के अनुभव को भी यदि अवॉइड करते हो ऐसे आत्मा को भगवान के शासन में अप्रज्ञापनीय कहा है, उनका बचने का चांस खलास हो गया है।